हाय गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। उम्मीद होगी कि आप लोग भी गाइस अच्छे हो। रिसेंटली में मैंने जो अभी होंडा SP125 की वीडियो डाली थी, आप लोगों ने काफी अच्छा रेस्पॉन्स डाला और उसको मैंने कंपेयर किया था TVS रेडर 125 से। तो आज हम आए हुए निर्माण TVS जानकीपुरम पे, जो कि हम लोग जो कवर करने वाले हैं TVS रेडर 125 2024 मॉडल न्यू वाली है, और क्या हुए हैं इसमें चेंजेस, और क्या इसकी ऑन रोड प्राइस है, कितनी माइलेज देती है, और जो भी मैंने डिसएडवांटेजेस आपको उस वीडियो में बताए थे क्या वो अभी भी हैं कि नहीं है। तो हाय गाइस, मेरा नाम है स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हो स्वप्निल श्रीवास्तव व्लॉग्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारे सामने TVS रेडर 125 और देख सकते हो कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है, देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। TVS अपने सभी गाड़ियों पे जो डिज़ाइन है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है और काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन ला रहा है। फिलहाल मेरे सामने जो है इस समय ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई है, बाकी इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। ब्लू कलर आता है, ब्लैक कलर आता है, रेड कलर आता है, येलो कलर आता है, बाकी इसमें जो है विग वर्जन भी आते हैं। आपको आयरन मैन वाली लेनी है, पैंथर वाली लेनी तो आप वो भी ले सकते हो। उन सब की प्राइजेस जो है अलग अलग चेंज होते रहते हैं। बाकी मैं कवर कर रहा हूँ ब्लूटूथ वाली गाड़ी को कवर कर रहा है, जो कि टॉप वेरियंट है हमारी TVS रेडर की। और ये जो है हमारी गाड़ी स्प्लिट सीट्स के साथ आती है, इसमें सिंगल सीट की भी जो है गाड़ी आती है। तो गाड़ी को हम कवर करने वाले हैं, उससे पहले हम आपको दिखा दें इसकी चाबी। ये देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको चाबी मिलती है। मैं बजाज वालों से कहते कहते परेशान हो गया, लेकिन बजाज वालों ने चेंजेस नहीं करे और TVS वालों ने जो अपने 125 सेक्शन में भी जो है वेव फॉर्म की देने लगे, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट हमको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अगर हम फ्रंट सेक्शन से बात करें तो गाड़ी का फेस देख सकते हो काफ़ी अच्छा लगता है, और इसमें जो इसके स्पेशली DRLs हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिलहाल अभी मैंने चाबी को नहीं लगाया है, इसलिए इसके DRLs आपको ऑन नहीं दिख रहे होंगे। बाकी आप गाड़ी को चाबी लगाओगे तो आपके DRLs ऑन हो जाएंगे। काफ़ी बढ़िया इसके DRLs लगते हैं और फेस लुक काफ़ी अच्छा लगता है। फिलहाल आप मुझे बता सकते हो आपको रेडर का लुक कैसा लग रहा है। अगर हम बात करें सामने के सस्पेंशन के बारे में, तो हमको जो है सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। फेंडर की क्वालिटी A1 क्वालिटी है। इसका जो मडगार्ड है काफ़ी बढ़िया है। मेरे हिसाब से इनको जो है टायर्स की जो प्रोफाइल है उसको थोड़ा कहीं ना कहीं जो है वाइड करना चाहिए था, थोड़े मोटे टायर्स कर देने चाहिए थे। टायर्स मुझे जो है इसके पतले लगते हैं। फिलहाल हम आपको जो इसके फ्रंट सेक्शन के टायर के जो प्रोफाइल सेक्शन है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सामने जो हमें टायर मिलता है वो 80 और 100 सेक्शन का हमको टायर मिलता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग देख सकते हो। और इसमें जो हमको 17 इंच के जो है अलॉयज मिल जाते हैं। गाड़ी में पेटल डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें जो हमको 240 mm की जो है डिस्क ब्रेक मिलती है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। और पीछे में ड्रम ब्रेक्स मिलता है, जो कि इसमें जो है पीछे भी जो है आप इनको डिस्क ब्रेक दे देनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा बहुत जिस हिसाब से प्राइस है, जिस हिसाब से क्वालिटी है, काफ़ी बढ़िया है। अब मैंने इस गाड़ी की जो है पुरानी वीडियो में कहा था कि इस गाड़ी पर अगर 3 लोग बैठते हैं तो गाड़ी जो हमारी लहरने लगती है। देखो हाँ, ये बात अभी भी सही है, क्योंकि रेडर जो है अपनी गाड़ी 2 लोगों के लिए ही है। 2 लोग अगर बैठोगे तो काफ़ी बढ़िया चलेगी और माइलेज भी काफ़ी बढ़िया आएगी। और माइलेज का बहुत ज़्यादा मिथ है कि माइलेज जो है हमको ये 65 का माइलेज दे देती है, 62 का माइलेज देती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो माइलेज जो आपको देती है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको 55 से 57 का ही माइलेज देती है। बाकी अगर आप जब 40 या 60 के नीचे चलाओगे तब आपको जो है ये 60 प्लस माइलेज देगी, तो इस बात का आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी गाड़ी में हमें मोड्स भी मिलते हैं, तो अब हम आपको बताते हैं इसके पीछे वाले टायर की प्रोफाइल की कितनी है। तो पीछे सेक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पीछे वाला जो हमको टायर मिलता है 190 सेक्शन का, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो, और पीछे हमें जो है 17 इंच के अलॉयज मिलते हैं। जैसे मैंने बताया टायर्स की प्रोफाइल मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं कम लगती है, तो इसकी जो है टायर्स की प्रोफाइल इनको जो है थोड़ी सी ज़्यादा देनी चाहिए, जिसके कारण जो है टायर्स की जो ग्रिप है काफ़ी बढ़िया बने और चलने में काफ़ी ज़्यादा और स्मूथ हो जाएगी। फिलहाल अभी इंजन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है चाबी लगा के इसके पीछे के जो लाइट्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ, और आगे की DRLs भी आपको मैं दिखा देता हूँ। DRLs ऑन होने पे कुछ देख लो इस तरह से लगती हैं। फिलहाल अभी मैं जो है बाहर खड़ा हूँ, दोपहर है और इसलिए आपको DRLs पता नहीं चली होंगी। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आपको इटालियन फ्लैग मिल जाता है। गाड़ी में जो है आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं, ऊपर आपको TVS की बैचिंग मिलती है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर मिल जाता है। और पीछे वाले अगर हम सेक्शन के बारे में बात करें चल के, तो पीछे जो हमको LED टेल लाइट मिलती है, जो कि टी सेक्शन की लाइट्स मिलती हैं, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे भी जो टेल टाइडी इसकी काफ़ी बढ़िया है, ये मैं कहना चाहूँगा, लेकिन फिर भी जो है इसमें जो हमको कहीं ना कहीं टायर हगर की जो है नीड लगती है। पीछे भी हमें जो है बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं, नीचे रिफ्लेक्टर मिलता है, ऊपर हमें TVS की बैचिंग मिलती है, और सीट को ओपन करने के लिए यहाँ पे हमको जो है लॉक मिलता है। साइड सेक्शन में अगर हम बात करें साइड प्रोफाइल में, तो यहाँ पे हमें जो है साइड स्टैंड भी मिलता है और साइड स्टैंड भी मिलता है। गाड़ी हमारी चेन ड्राइव सिस्टम पे है। इंजन के बारे में अगर हम यहाँ बात करना चाहेंगे, तो 124.8 cc का सिंगल सिलेंडर एयर और ऑयल कूल्ड हमें इंजन मिल जाता है, जो कि हमारी पावर प्रोड्यूस करता है
11.38 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 11.2 न्यूटन मीटर टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है। तो गाड़ी का इंजन जो है काफी बढ़िया 125 सीसी के सेगमेंट में। बाकी यार देखो इसके अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि ग्राउंड क्लीयरेंस कितनी मिलती है, तो हमको 180 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है, 1326 mm का हमको जो है व्हील बेस मिल जाता है, और इसका व्हील बेस जो है अपाचे से भी ज़्यादा है, क्योंकि अपाचे में 1300 mm का व्हील बेस मिलता है और इसमें 1326 mm का व्हील बेस मिलता है, 790 mm की जो हमको इसकी सीट हाइट मिल जाती है। सीट कंफर्ट के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं कैसा है, तो सीट कंफर्ट यार मैं बताऊं तो राइडर का सीट कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी गुलगुली सी सीटें हैं, तो आप जब बैठोगे तो आपके जो हिप है उसको बहुत ज़्यादा आराम फील होगा। और पीछे वाली की सीट के बारे में बात करें तो पीछे की जो सीट है वो भी काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया, ग्रे कलर में आपको जो ग्रैब हैंडल्स मिल रहा है और काफ़ी अच्छा इसका लुक आता है। टैंक देख सकते हो, यहाँ पे टैंक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो टैंक के ऊपर ही आपको जो है यूएसबी चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, जो कि हमारा जो है काफ़ी बढ़िया है। आप लगा सकते हो, अगर आपके फ़ोन की बैटरी खत्म हो रही है तो आप यहां से चार्ज भी कर सकते हो। गाड़ी में जो हमको 10 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। माइलेज मैं आपको बता ही चुका हूं कि 55 का माइलेज बहुत आराम से मिल जाता है। बाकी गाड़ी में जो है हमारा स्मार्ट एक्स कनेक्ट की जो है फैसिलिटी मिलती है, और यहाँ पे देख सकते हो हमको 3D में लोगो मिलता है और काफ़ी बढ़िया इसका जो है लोगो लगता है, प्रीमियम लोगो लगता है। पीछे सेक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसमें हमको सस्पेंशन कौन सा मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमें मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जो कि अंदर देख सकते हो रेड कलर का हमें मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। 5-स्टेप एडजस्टेबल भी है, तो ये सब देख सकते हो आप। बाकी हम बात करें अगर इसकी फुटपैक की क्वालिटी के बारे में, तो फुटपैक की क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया है। NS को टक्कर देने के लिए ये बिल्कुल गाड़ी तैयार हो रही है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये 3 लोगों को बैठाल के बहुत अच्छे से अगर चलाती है तो ये पूरी पूरी जो है NS को टक्कर देने में आगे हो जाएगी। फिलहाल हम बात करते हैं चल के इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। उससे पहले हम बात करेंगे इसके हैंडल्स के बारे में, क्योंकि अभी मुझे इसका आपको एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाना है और इसकी लाइट्स भी दिखानी है। फिलहाल हाँ, NS को जैसे मैंने अभी तारीफ करा, वैसे ही मैं एक बुराई करूँगा बजाज वालों की, क्योंकि मैं बजाज वालों के वीडियो में कितनी बार कह चुका हूँ कि वो प्रीमियमनेस नहीं दे पाते हैं। अब देखो रेडर वालों ने यहाँ पे एल्यूमिनियम फिनिश का जो है इस्तेमाल किया हुआ है क्लच पे, ब्रेक्स पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रीमियम फील कराती है हमको। ये सब चीज़ें हम जो है बजाज से कब से कह रहे हैं, बजाज इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है, और TVS देखो इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देके काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। साइड कवर्स में यहाँ पे देख सकते हो रेडर की में जो है 3D में बैचिंग मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया लगता है। और बात कर लेते हैं हैंडल्स के बारे में, तो यहाँ पे हमें जो है पैसिफिक पास का बटन मिल जाता है, लो बीम हाई बीम का यहाँ पे बटन मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे देख सकते हो वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है हमको, इधर जो है हमें इंडिकेटर्स के लिए जो है बटन मिल जाता है, यहाँ मिलता है हॉर्न के लिए, तो हॉर्न साउंड आपको सुना दूंगा। हॉर्न साउंड इसका थोड़ा डिसेंट सा है। बाकी यार यहाँ पे देख सकते हो आपको मोड्स मिल जाते हैं, इको मोड है, पावर मोड है, यहाँ पे आपको देके रखा हुआ बटन, बाकी यहाँ से आपको जो है गाड़ी ऑन हो जाएगी और यहाँ पे आपको मिलता है मेनू। तो अब हम बात करते हैं यार देखो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, क्योंकि ये हमारी टॉप वेरिएंट है तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज है बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंपैरिजन में बाइक्स के। तो ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा जो है इसमें लोगो बन के आता है रेडर का। बाकी इसमें देख सकते हो RPM मीटर हमें शो करता है, यहाँ पे फ्यूल गेज मीटर्स मिल जाता है, सारी लाइट्स जो हमको बाहर सेक्शन में मिल जाती हैं यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे इंजन वाली लाइट जल रही है, बाकी यहाँ इंडिकेटर्स की लाइट मिल जाती है, TVS का लोगो मिल जाता है हमको, यहाँ पे फुल गेज मीटर की लाइट जलती है, यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, ABS मिल जाता है, और बाकी अंदर हम बात करें तो यहाँ पे हमें जो है स्पीडोमीटर मिलता है, ओडोमीटर मिलता है, RPM मीटर मिलता है, न्यूटन का यहाँ पे जो है हमको आइकन शो हो रहा है, बाकी इस साइड हमें जो है कितना एवरेज देती है गाड़ी ओडोमीटर सब दिखाता है, फ्यूल गेज मीटर में देख सकते हो अभी फ्यूल है ही नहीं, यहाँ पे टाइम दिखाता, बाकी आपकी गाड़ी माइलेज कितना दे रही है वो भी यहाँ पे आपको शो कर जाता है। यहाँ से जो है मेनू को चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो किनारे देख सकते हो एवरेज ट्रिप ए ट्रिप बी और कितना एवरेज दे रही है, क्या रेंज है, ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ से कंट्रोल हो जाती हैं। तो ये कुछ इस टाइप से जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था। बाकी अभी मैं सुनाता हूँ आपका एग्जॉस्ट साउंड, पहले इसको जो है आइडियली साउंड सुनाऊंगा फिर सुनाऊंगा थोड़ा सा, ये है इसका आइडियली साउंड। अब करते हैं इसको रेव, तो रेव साउंड आपको सुना दिया है। बाकी इसकी जो है लाइट्स भी शो करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये कुछ हमें इस तरह से जो है इसकी लाइट्स मिल जाती हैं, काफ़ी खतरनाक लाइट्स मिलती हैं, लाइट्स का थ्रो काफ़ी बढ़िया है। तो ये मामले में मैं आपको बताना चाहूँगा इसको जो है फुल नंबर मिल जाते हैं, और लुक्स के मामले में भी जो है आप इसको नंबर मिलते हैं। बाकी इसमें जो आप अपने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर सकते हो, सारे जो है आपके फिर नोटिफिकेशन जो है वो सब चीज़ें जो हमको इसमें शो हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं भाई TVS रेडर की हम प्राइसिंग के बारे में, तो भाई इसकी एक शोरूम प्राइसिंग जो है हमको 97,311 रुपीज़ की पड़ जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। बाकी अभी हम ऑन रोड प्राइसिंग भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी तो आप TVS निर्माण TVS पे आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हो, आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, निर्माण TVS सेक्टर 8 जानकीपुरम, जो कि हमारा जो है बिठौली चौराहे से जो है आप देख सकते हो सामने बिठौली वाला पुल गया है, वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे आपको जो है
निर्माण टीवीएस मिल जाता है। तो इसकी ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो इसकी ऑन रोड प्राइसिंग हमें पड़ती है 1,16,690 रुपये। तो जिस हिसाब से प्राइसिंग है उस हिसाब से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है फीचर्स हमें प्रोवाइड कर देती है। अब हमने पिछली वीडियो में हमने जो है होंडा एसपी आपको बताई थी 125, तो यार देखो वो 3 लोगों को लाद के जा सकती है, ये 3 लोगों के चलाने लायक अभी नहीं है क्योंकि ये कहीं ना कहीं वाइब्रेट फील कराएगी और मेरे जैसे हैवी लोग हैं तो वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। बट इसमें हमें फीचर्स इतने मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, कलर TFT स्क्रीन्स मिल जाती है और जो सब चीज़ें आप देख रहे हो डिज़ाइन लुक्स मिल जाते हैं। इन सब चीज़ों के कारण जो है हमारी TVS Raider 125 होंडा SP से आगे हो जाती है। इसी के कारण जो है इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। अगर ये पॉइंट्स आपको जो है सही लगे तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी अगर आपको खरीदना तो आप निर्माण TVS से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी इसकी हिडन फीचर्स और इसकी रील्स देखने के लिए आप लोग जो है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, स्वप्निल ऑटो मोटो, जो कि हमारा साइड में यहाँ पे इंस्टाग्राम का पेज आ रहा होगा। फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।